Assalamu alaikum, 9th class. How are you, students? Today we are going to discuss the topic is change of state. Change of state आज का हमारा topic है discussion का, जिसमें हम देखेंगे कि solid, liquid और gas matter की three states interchange कैसे होती हैं, temperature के साथ साथ इनकी जो state है वो change कैसे होती है, तो ये हमने study करना है आज. मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर सच अ चेंज टू अकर थर्मल एनर्जी इज एडेड टू आर रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस. थर्मल एनर्जी को हम या तो रिमूव करेंगे या फिर एड करेंगे उस सब्सटेंस के अंदर, तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज होगी. सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमारे पास सब्सटेंसेज हैं. इनमें थर्मल एनर्जी को या तो हम ऐड करवाएंगे या फिर रिमूव करवाएंगे, तो उस सब्सटेंस की जो जो हमारे पास स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी. मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर सच अ चेंज टू अकर थर्मल एनर्जी इज एडेड टू आर रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस. अब ये हमारे पास डायग्राम हमने बनाई है, ये हमारे पास है लिक्विड, एक वाटर ड्रॉप है या कोई भी हमारे पास लिक्विड सब्सटेंस है ये. अब लिक्विड सब्सटेंस को जब हम फ्रीज करेंगे, फ्रीज करने का मतलब है उसमें से थर्मल एनर्जी को हम आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे. थर्मल एनर्जी उस लिक्विड सब्सटेंस में से जब हम निकाल लेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा. जब टेम्परेचर कम हो जाएगा इट मीन्स वो फ्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर आ जाएगा. तो इसका मतलब है जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम दैट लिक्विड. उस लिक्विड में से हीट को रिमूव किया हमने, निकाला, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया. डिक्रीज मीन फ्रीज हो गया, वो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर वो सॉलिड मीन आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड सब्सटेंस में. अब इस सॉलिड सब्सटेंस को जब हम मेल्ट करेंगे, इसका मतलब है इसको हम हीट देंगे. हीट इज गिवन टू सॉलिड सब्सटेंस, वो आइस है हमारे पास, उसको जब हम हीट देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर. अब लिक्विड के अंदर हमारे पास वो कन्वर्ट हो गया एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. अब दोबारा इस लिक्विड को जब हम बॉयल करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो दोबारा ये बॉयल होकर वेपर्स में चला जाएगा. 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग के बाद फिर उसकी स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी. टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, स्टेट चेंज होगी, वेपर्स में आ जाएगा. वेपर्स मीन गैसेस में. अब गैस जब दोबारा कंडेंस होती है हमारे पास, मीन कूल डाउन होती है, अब इसमें भी हमने क्या किया, हीट को ऐड किया, तो वो वेपर्स में चला गया. अब यहाँ से फिर अगर हम उसमें से हीट निकालें, उस गैस में से वो जो हमारे पास वेपर्स बने हैं वो कूल डाउन होंगे तो ड्रॉप्स बन जाएंगे, ड्रॉप्स बनेंगे दोबारा वही लिक्विड. तो चेंज ऑफ स्टेट ये हमारा टॉपिक है, ये डायग्राम के जरिए हमने इसको समझा. अब एक एक्टिविटी करते हैं, टेक अ बीकर एंड प्लेस इट ओवर अ स्टैंड. एक बीकर लेनी है हमने, बीकर लेकर उसको स्टैंड के ऊपर हमने खड़ा करना है. पुट स्मॉल पीसेज ऑफ आइस इन द बीकर एंड सस्पेंड अ थर्मामीटर इन द बीकर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आइस. अब आइस का टेम्परेचर मेजर करेंगे, उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस, उस बीकर के अंदर छोटे छोटे पीसेस ऑफ आइस पुट करने के बाद हम थर्मामीटर पुट करेंगे, उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे. नाउ प्लेस अ बर्नर अंडर द बीकर, आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग. The temperature of the mixture containing ice and water will not increase above 0 degree centigrade until all ice melts. जब हमने बर्नर ऑन किया तो वो जो आइस थी हमारे पास वो मेल्ट होना शुरू हो गई, पिघलना शुरू हो गई. अब वो जब लिक्विड के अंदर आ जाएगी तो तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा जब तक के सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती. मीन कुछ ना कुछ वाटर होगा, कुछ ना कुछ आइस होगी, अभी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा जब तक के उसकी स्टेट कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाती. मीन सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती.
एंड वी गेट वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो सारी की सारी आइस जब मेल्ट हो जाएगी, जो पानी होगा हमारे पास, वाटर होगा, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब इसके बाद अगर हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर उसका, मीन अगेन बर्नर ऑन होता रहेगा, देन उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्राफिकली अगर हम देखें तो सपोज हम करते हैं -30 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर था, फिर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहा, फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो ये पार्ट है इसके दो, एक पार्ट है हमारे पास ए बी, इसमें देखें -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आइस का टेम्परेचर बहुत कम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है। अब और बिलो जाएंगे तो इसका मतलब है जो आइस होगी मोर सॉलिड फॉर्म में हमें मिलेगी, -30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपने बर्नर ऑन किया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता स्टार्ट हुआ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब ए से लेकर बी तक ये टेम्परेचर चेंज हुआ है, अब बी से लेकर सी तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आइस और वाटर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक के सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, पिघल नहीं जाती। वो ग्राफ बी और सी रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे पास बी और सी रिमेन्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई? क्योंकि जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं होती उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। पार्ट जो सी डी है हमारे पास, ये सी से लेकर ये डी तक, इसका मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहां तक, अब टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता स्टार्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा, ये वाली लाइन शो करेगी, क्योंकि बर्नर ऑन है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगा वाटर का। जब हमारे पास डी पॉइंट आ जाएगा इट मीन्स वाटर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर ये बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद भी जब हम बर्नर ऑन करते रहेंगे क्या उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद उसकी स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी। स्टेट मीन अब वो वाटर से वाटर वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि हवा में फिजा में उड़ जाएंगे। तो ये हमारे पास डी से लेकर ई तक, ये हमारे पास है स्टीम भाप, मीन वो छोटे छोटे उसके जो वेपर्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे अबव द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसकी स्टेट जो है कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। पार्ट डी ई जो है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बल्कि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए हमारे पास मैटर, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस को हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।